दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली 5 विकेट से हार ने यह डर भी पैदा कर दिया है कि अगर अब आगे बारिश होती है तो क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल बनकर तैयार हो रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के सबसे बड़ा कारण भी सभी भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप होना है। फील्डरों द्वारा एक के बाद एक कैच छोड़ना इंडियन टीम के लिए भारी पड़ गया। जब एंडन मार्कम 35 रन पर खेल रहे थे तब विराट कोहली ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया था। उनके बाद उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाकर शानदार 52 रन बनाए और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए अपनी राह मजबूत कर ली है। सूर्य कुमार यादव के 68 रन के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा नहीं खेल पाए। इसके अलावा दोस्तों दिनेश कार्तिक को एक सफल बल्लेबाज भी माना जाता है, तो इसके बावजूद टीम इंडिया दिनेश कार्तिक को 5 या 6 नंबर पर ही क्यों खिलाती है। यह एक सबसे बड़ा कारण है, जब दिनेश कार्तिक अच्छा खेल लेते हैं, हीटिंग भी कर लेते हैं, तो उन्हें ओपनिंग क्यों नहीं दी जाती है, क्यों उन्हें 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। 2020 मैचों में दिनेश कार्तिक के बल्ले से निकलती हुई शानदार रनों को देखें, क्या उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि दिनेश कार्तिक को नंबर 1 या 2 पर खिलाना चाहिए, जिससे वह टीम इंडिया के लिए एक अच्छा हीटर साबित हो, क्योंकि दिनेश कार्तिक की जब भी बल्लेबाजी करने का टाइम आता है तो यह तो मैच खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दिनेश कार्तिक को ओपनिंग देनी चाहिए नहीं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।